स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का, तो आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का सिलसिला। सीपीआई माओवादी नक्सली संगठन ने आज झारखंड बिहार बंद और 28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीद सप्ताह मनाने का ऐलान किया है, जिसके बाद से दोनों राज्यों की पुलिस हाई अलर्ट पर है। आपको बता दें कि झारखंड बिहार बंद 1 करोड़ के इनामी नक्सली नेता विवेक की पत्नी जया हेब्रम समेत 3 अन्य नक्सलियों की गिरफ्तारी के विरोध में बुलाया गया है। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से आज नक्सल बंद की घोषणा के चलते 26,000 पदों के लिए होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा को रीशेड्यूल कर दिया गया है। अब ये परीक्षा आज ना होकर 28 जुलाई 2024 को संपन्न करवाई जाएगी। हरियाणा में ट्रैफिक ब्लॉक की वजह से आज यानी 25 जुलाई को इस रूट पर रेल यातायात प्रभावित रहेगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने जानकारी दी है कि सादुलपुर हनुमानगढ़ और सादुलपुर हिसार रेलखंड के बीच अनुरक्षण कार्य के कारण रेलवे की तरफ से ट्रैफिक ब्लॉक करने का फैसला लिया गया है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में होने वाले ओलंपिक खेलों के आयोजन कल से शुरू हो चुके हैं, वहीं आज इसमें भारतीय तीरंदाजी टीम एक्शन में दिखेगी। इस दिन जहां फुटबॉल और रग्बी के मैच भी खेले जाएंगे, वहीं तीरंदाजी के अलावा हैंडबॉल के इवेंट्स भी शुरू होंगे। भारत में आज भी शनि ग्रह का चंद्र ग्रहण दिखाई देने वाला है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये आज मध्य रात्रि में कुछ घंटों के लिए नजर आएगा। हालांकि इस खगोलीय घटना को इसे नंगी आंखों से देखा जा सकेगा। आपको बता दें कि आज यानी 24 जुलाई को भी शनि का चंद्र ग्रहण देखा गया था। कोटा में उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय में आज यानी कि 25 जुलाई को कैंपस प्लेसमेंट शिविर का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि शिविर में लाइट माइक्रो फाइनेंस कंपनी द्वारा फील्ड एग्जीक्यूटिव एवं सीनियर फील्ड एग्जीक्यूटिव के 40 पदों पर भर्ती की जाएगी। उज्जैन के माधव कॉलेज में आज यानी कि 25 जुलाई को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक रोजगार करियर अवसर मेले का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर अल्पना उपाध्याय ने बताया, मेले में 18 से 35 वर्ष की आयु के 8वीं से स्नातकोत्तर एवं ITI वेल्डर फीटर तक के योग्यताधारी युवाओं को रोजगार का मौका मिलेगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मित्र संघ के नेतृत्व में सभी जिलों में शिक्षा मित्र आज काला दिवस मनाएंगे। इसी कड़ी में जनपद भदोई के शिक्षा मित्र भी अपना विरोध दर्ज कराएंगे। शिक्षा मित्र दोपहर में 2:30 बजे जिला मुख्यालय पर पहुंचकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भी DM को सौंपेंगे। मौसम विभाग ने चंडीगढ़ में पिछले दिनों बारिश का अलर्ट जारी किया था, वहीं आज भी जिले में बारिश की संभावना जताई जा रही है। इतना ही नहीं, बारिश के दौरान बिजली चमकने के साथ आंधी तूफान आने की भी संभावना जताई गई है। राजस्थान के पाली में मनरेगा योजना अंतर्गत मेट्रो की विभिन्न समस्याओं के समाधान व मजदूरी का भुगतान नहीं होने पर आज मनरेगा मेट संघ की जिला मुख्यालय पर बैठक होगी। अध्यक्ष राजाराम सरगरा डूंगरपुर ने बताया कि बैठक में जिले के कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो आइए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। आज के दिन 1978 में ब्रिटेन में प्रथम परखनली शिशु का जन्म हुआ था। आज के दिन सन 2017 में गुजरात में बाढ़, 70 से ज्यादा लोग मरे थे। आज के दिन 1922 में भारतीय समाजशास्त्री एवं साहित्यकार श्यामाचरण दुबे का जन्म हुआ था। आज के दिन 1880 में सार्वजनिक कार्यकर्ता गणेश वासुदेव जोशी का निधन हुआ था। आज ही के दिन सन 2007 में प्रतिभा पाटिल ने भारत के 12वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।